बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, मेरा नाम आमिर डार है। ये वाक़या है तूर शरीफ गांव का, जहां एक 45 साल शख्स को इंतहाई बेदर्दी से, बड़ी बेरहमी से टोकों के, छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। इस शख्स का कसूर क्या था? मुदई ये कहते हैं कि ये हमारा मुलाजिम है जिसने कत्ल किया, और इस मुलाजिम ने आज से कुछ देर पहले इनकी कोई मोटर थी पानी वाली, वो चोरी की थी, और बड़े भाई ने इस बात पे ज़ाहिर है कि एक मुकदमा भी दर्ज करवाया था, और एक रात पहले जो मकतूल है उसने उसे मारा था। तो सिर्फ एक छोटी सी मामूली सी रंजिश पे इस मुलाजिम ने, जो गुज़श्ता 10 साल से यहाँ पे काम कर रहा था, अपने मालिक को बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेकिन जिस अंदाज में कत्ल किया गया है, जितनी बेरहमी से कत्ल किया गया, यूँ लग रहा है कि जैसे कोई और मामला था, जैसे कोई दिल की भड़ास निकाली गई हो, जैसे रिवेंज या बदला लिया गया हो। मुलजिम पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ऑफ द रिकॉर्ड हमें जो पता चल सका है, मुलजिम ये कह रहे हैं कि जो मकतूल है उसके मुलजिम की बीवी के साथ कोई ताल्लुकात थे, उसने खुद अपनी आंखों से कुछ देख भी लिया था, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब हकीकत क्या है? ये तस्वीर अरशद की है, उसके चेहरे पर रौनक थी, आज इसी चेहरे पर हुए हैं टोके के वार। अरशद को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया है, कत्ल की वो तस्वीर हम आपको दिखा भी नहीं सकते। यकीन जानिए, कातिल ने अरशद का चेहरा मस्क कर दिया है। इस कदर मस्क के सैकड़ों प्रोग्राम करने के बावजूद टीम मुजरिम कौन भी एक दफा इस चेहरे पर नजर डालकर कांप कर रह गई। पुलिस को कैसे इल्म हुआ कि मुलजिम मकतूल का मुलाजिम है? क्या कातिल ने छोड़ा था कोई सुराग? ऐसी कौन सी वजह थी कि मुलाजिम अपने ही मालिक की जिंदगी का दुश्मन हो गया? क्या मुलाजिम को मोटर चोरी करने पर मालिक ने बनाया था माजी में तशद्दुद का निशाना? क्या मुलाजिम ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मालिक को मौत के घाट उतार दिया? क्या ये सच है कि मुलाजिम की बीवी के थे मालिक के साथ शर्मनाक ताल्लुकात? क्या नशे के आदी नौजवान को अपनी बीवी और मालिक के किरदार पर शक था? मुलजिम की बीवी ने मुजरिम कौन के मेजबान आमिर डार के सामने किया कौन सा इतराफ? क्या मकतूल और मुलजिम करते थे एक दूसरे से मोहब्बत? क्या मकतूल के मुलजिम की बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात का मकतूल के घर वालों को भी इल्म था? कत्ल की क्या थी वजह? शर्मनाक तालुकात का शुबा या बेइज्जती का बदला? लाजमी देखिए हौलनाक कत्ल की ये दास्तान, मुजरिम कौन। हम जो मुदई हैं उनके घर पे बैठे हुए, हम उनसे बात करते हैं, जो मुलजिम कह रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है, इस बयान में कोई सच्चाई है या फकत ये अपने आप को बचाने के लिए उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, पूछते हैं। मुदई मकतूल के भाई हैं, उनसे बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अख्तर अली। अख्तर अली, मकतूल आपसे बड़े थे छोटे? बड़े थे। आपसे बड़े थे, चार बच्चे इनके? जी। ठीक है, ये मुलाजिम हबीब कब से आपके पास काम कर रहे हैं? दस साल से काम कर रहे हैं, कभी कोई ऐसा मामला नहीं हुआ? तो ये अचानक से लड़ाई किस बात पर हुई थी, कब हुई थी कत्ल से? इन्होंने मोटर पानी वाली मोटर और टोके वाली मोटर चोरी की थी। हबीब ने? हबीब ने। अकेले ने? हाँ जी, जब भाई ने पूछा उसने इनकार कर दिया, भाई ने उसको मारा, भाई ने मोटर पहचान भी ली थी किसी के घर में, उसने पूछा और उसने मारा, उसने बोला था कि मैं आपको ऐसा मारूंगा कि आपका बुरा असर करूंगा कि दुनिया देखेगी। ये धमकी दी थी? धमकी मुलाजिम ने हबीब? हाँ जी। नहीं तो भाई ने मारा, पुलिस को इतला नहीं की? पुलिस को इतला दी, एप्लीकेशन भाई ने दर्ज करवाई थी, मुकदमा दर्ज हो गया था। हाँ जी, पुलिस आई थी, उसे पकड़ा, गिरफ्तार किया? नहीं, पुलिस को मिला ही नहीं। पुलिस को मिला नहीं, भाग गया था। अच्छा, इस बात का गुस्सा था, और जब भाई आपके भाई ने मकतूल ने उसे मारा तो उसी वक्त उसने धमकी दे दी थी? हाँ जी, उसी वक्त, कि मैं आपका हशर बुरा करूंगा। वरासा के मुताबिक मुलजिम हबीब ने मकतूल अरशद को जान से मार देने की धमकी दे रखी थी। क्या वरासा ने मुलजिम की धमकी को नजरअंदाज कर दिया था? आपके भाई ने, आप लोगों ने ज्यादा संजीदा नहीं लिया होगा? नहीं लिया। उसके बाद वो चला गया वहाँ से? हाँ जी। इस इलाके से, इस गांव से चला गया या इधर ही? नहीं, इधर ही रहा, अपने घर रहा है। मुलाजमत छोड़ दी उसने? हाँ जी, मुलाजमत छोड़ काम पे नहीं आया दोबारा? नहीं। जहाँ हवेली, जहाँ आप लोगों की हवेली है और जहाँ पे आपके भाई का कत्ल हुआ है, उसके साथ ही रहता है? हाँ जी, बिल्कुल, बच्चों समेत वहीं पे रहता है जी। ठीक है,
यहाँ गांव में ही रहा कि यहाँ से जा चुका था? नहीं, इधर ही था। इधर ही था जी। दोबारा आमना सामना नहीं हुआ भाई नहीं, के साथ? उधर से गुजर होता था भाई का, अक्सर रास्ता वही है, पर ऐसा मामला बाद में नहीं है। नहीं तो पुलिस एक दफा आई बस, उसके बाद पुलिस नहीं आई, गिरफ्तार नहीं किया? एप्लीकेशन हुई थी ना, पुलिस एक दफा ईद के दिन थे, शायद इस वजह से पुलिस नहीं आई दोबारा। अच्छा, ईद के दिन चल रहे थे जी। ठीक है, ये बात आई गई हो गई, उसके बाद क्या हुआ अचानक से? अचानक जब सुबह मैं गया हवेली में, मैंने देखा कि भाई उधर कत्ल हुए पड़े हैं, बड़ी बेदर्दी से उन्होंने कत्ल किया। 24 जुलाई की रात का ये वकूफ है जी, 24 की रात का, ये तकरीबन कोई रात 12-1 बजे। हाँ जी, 11-12 बजे। 11-12 बजे के करीब आपके भाई जो मतूल हैं अरशद, वो वहीं पे रहते थे जी हवेली में? वो हवेली सोते में। थे अकेले सोते थे या उस रात अकेले थे? नहीं, अकेले सोते थे। या उसी रात गए थे? नहीं, वो उधर रहते ही वहाँ थे जी। ठीक है, तो मामूल के मुताबिक वो रात को वहाँ पे सोने के लिए गए और आप मामूल के मुताबिक सुबह उठ के गए हवेली? जी बिल्कुल। तो क्या देखा आपने? मैंने देखा कि भाई को किसी ने कत्ल किया बड़ी बेदर्दी से। कहाँ पे? चारपाई पे? चारपाई के ऊपर ही। चारपाई के ऊपर जी। जिस्म के किस हिस्से पे वार से ज्यादा? ये चेहरे पे। चेहरे पे, टोके के वार से, गर्दन पे। अच्छा, तो बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया गया। और जिस्म के बाकी हिस्से पे भी थे? नहीं, बाकी इधर छोटे छोटे कट थे, छुरी के कट। हाँ जी, ज्यादा ये चेहरे पे था, जबान पे और गले पे। चेहरे पर थे जी। ठीक है, क्या किया आपने उसके बाद? उसके बाद मैंने पुलिस को सलाह की, पुलिस आई है मौके पे। ठीक है, उसके बाद हमने, नहीं पता चला हमको कि क्या वजह है, हमने नामुम FIR दर्ज करवा दी। आपका शक नहीं किया आपने मुलाजिम की? नहीं, उस वक्त नहीं गया। उस वक्त नहीं गया? नहीं गया। वो यहीं पे था, क्योंकि ये गांव है और इस तरह की तकलीफ सुन के सारा गांव इकट्ठा हो जाता है जी। वो भी आया था उस दिन सुन के या वो आए नहीं? नहीं, हमने देखा नहीं उसे, देखा क्यों नहीं। हमको अपनी तरफ से कोई समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जाहिर है आप तो बिल्कुल करीबी हैं ना भाई, आप खून का रिश्ता था, जो आपके करीबी अजीज हैं, जो कज़न वगैरह होंगे, उन्होंने भी नोटिस नहीं किया किसी ने? नहीं, उस वक्त तो मैं कोई नहीं। तदफीन में, नमाज जनाजा में शिरकत उसने की है या यहाँ से भागा हुआ था? नहीं, बीवी बच्चे उसके इधर ही थे? इधर ही हैं। अभी भी इधर ही हैं? जी अभी भी इधर ही। वरसा के मुताबिक मुलाजिम ने ही मालिक को बेरहमी से कत्ल किया है। सवाल ये है कि वरसा को कैसे यकीन है कि उनका मुलाजिम ही कातिल है? कहीं ऐसा तो नहीं महज धमकी को बुनियाद बनाकर मुलाजिम पर कत्ल का इल्जाम लगाया जा रहा हो? फिर उसकी तरफ शक कैसे गया आप लोगों का? अरे उसने ना एक नंबर पे कॉल की थी तकरीबन FIR कटने के बाद, वो नंबर गलत लग गया उसका, किसी हमारे लड़के को लगा। FIR तो आपने नामालूम के खिलाफ दर्ज करवाई थी? ठीक है, कॉल इसने की, आपके किसी रिश्तेदार को कॉल आ गई? हाँ जी। क्या था उस कॉल में, क्या बोला उसने? उस कॉल में थोड़ा शक साबित हुआ। क्या, किस तरह से? बोल रहा था कि अगर पुलिस के क्या मामला आता है या इधर के क्या है इस तरह। यानी उसने अपनी तरफ से किसी और को कॉल की? हाँ, अपने जानने वाले को, अपने जानने ये वाले। इतला लेने के लिए, खबर लेने के लिए गाँव में क्या चल रहा है? हाँ जी। कि पुलिस को इतला हुई है इस वकूफे की या नहीं हुई, या उस पर किसी का शक तो नहीं है? वो कॉल गलत इसे आपके किसी अजीज को मिल गई जी, तो उसने ये सारी बात सुन ली जी। एक तो ये एक जो आपको हम कह सकते हैं कि सिरा मिल गया एक जी। इसके अलावा कुछ और भी हुआ जिससे आप लोगों को कोई अंदाजा हो? जो रात को हमारे ना रिश्तेदार इधर से जा रहे थे शेखपुरा, रिश्तेदारों के यहाँ, ये उसी रात, उसी रात जिस रात वकूफा हुआ है, तो उन्होंने भी देखा था उधर से यार। उन्होंने कहा कि शायद ईद के दिन है, किधर से आ रहे हैं या क्या करके आ रहे हैं, उन्होंने नहीं। आपके रिश्तेदारों ने क्या देखा? यही देखा था कि उधर वैली की तरफ से आ रहे हैं ये दोनों। हाँ जी, हबीब और खुरम, एक और भी साथ था, उनको पहचाना नहीं। हबीब और खुरम? हाँ जी। अच्छा, ये दो लोगों ने मिलकर कत्ल किया जी। खुरम और भी साथ, हबीब आपस में क्या रिश्तेदार हैं जी, अजीज हैं? हाँ जी। ठीक है, तो हबीब का तो लड़ाई थी या उसके दिल में कोई रंजिश थी, खुरम साथ में क्यों शामिल हुआ? पता नहीं सर, ये तो हबीब को पता होगा या खुरम को पता होगा, दोनों ने मिलकर कत्ल किए जी। तो आपके रिश्तेदार रात के वक्त जो वहाँ से देखा इन दोनों को, वहाँ से हवेली से निकल रहे थे जी, और रात में इनके जी क्या क्या था? एक के हाथ में बुगदा था हबीब के, और दूसरे के हाथ में छुरा था। दोनों के हाथ समझा कोई ईद के दिन है, शायद कहीं से कुर्बानी करके आ रहे हैं या गोश्त बना के आ रहे हैं, जो भी है। नहीं, ये बड़ी गैर मामूली सी बात थी, रात के 12-1 बजे ना तो कुर्बानी होती है उस वक्त, ना उस वक्त को गोश्त बना के निकलता है, तो दो लोगों का इस तरह से बकौल आपके जिस तरह हम कह रहे हैं रिश्तेदारों ने देखा कि वो टोका पकड़ा हुआ है सरेआम, और वो लेके जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं,
तो ये तो बड़ी गैर मामूली बात सर, वो नशे ही थे ना, हो सकता है कि कहीं बैठे को पी रहे हों, नशा करके लेट हो गए हों, ये तो मामला नहीं है ऐसे, हमें तो नहीं पता क्या कर रहे हैं, किस टाइम क्यों आ रहे हैं, वो तो सब सुबह जब उन्होंने बताया हमें तब पता चला, अगले दिन पता चला कि ये लड़के इधर से आ रहे थे। नाहक कत्ल कभी नहीं छुपता, कातिल कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। वरासा को मुलाजिम पर शक हो चुका था, पुलिस हरकत में आई और मुलजिम गिरफ्तार हो गया। कैसे मुलाजिम ने हवेली में खेली खून की होली। तूर शरीफ गांव है ये, और मैं आपको उस हवेली में लेकर जा रहा हूँ जहाँ पे ये कत्ल किया गया है। ये मेरे बिल्कुल सीधे हाथ में वो हवेली है, और बिल्कुल मेरे पीछे वो जो आपको दो गेट नज़र आ रहे हैं वो मुलजिमान के घर हैं, और यानी ये हमसाए भी थे, ये मालिक मुलाजिम भी थे। उस रात भी ये पता चल सका है कि इस हवेली में कत्ल किया गया, और कत्ल करने के बाद जो हबीब है, बेशक उसका घर बिल्कुल सामने था, कत्ल करने के बाद फिर वो घर नहीं गया, वो उसके बाद यहाँ से निकल कर और फिर बाहर गांव से बाहर चला गया, और जो मकतूल हैं, जो उनके अजीज़ हैं, उन्होंने फिर देखा कि रास्ते में उनके हाथ में वो एक बुगदा था, यानी एक टोका था, और जो दूसरा खुरम है उसके हाथ में छुरी थी, और जो तीसरा है वो नामालूम है। ये वो जगह है जहाँ पे उस रात खून की होली खेली जाती है। ये चारपाई है, ये चारपाई नई बनी हुई है, लेकिन इसी चारपाई पे अरशद सोया हुआ था, यहाँ पे कत्ल हुआ हुआ था। तो ये तो बिल्कुल ओपन एरिया है, ये बिल्कुल सामने पूरा गाँव है, ये सामने और भी घर हैं, ये कोई कंस्ट्रक्टेड एरिया नहीं है ना। हाँ जी, तो ये किसी को भी नहीं पता चल सका, एक शख्स जिसे इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया, उसने यकीनन वो चीखा होगा, चिल्लाया होगा, उसकी आवाज़ निकली होगी, उसने बहुत सारे लोगों को आवाज़ दी होगी बचाने के लिए, किसी को पता ही नहीं चल सका। नगर में कार होना थे रिश्तेदार, इनके अपने घर ही मसूरी ने, वो तीन चार बंदे दबा लिया, कितने दबा ही नहीं, पहला टोके बार कितना गल कटिया गया, तो बोलने ने की सी पहला वार गले पे किया, गला कटिया ना, बोलना ओ तो अगे कोई गल ही नहीं रही, उंदे जद ओ तड़प के उधरो इधर आया, उधरो तड़प के ऐत पथे आया। अच्छा, फिर उन्होंने यानी सोया हुआ था, सोए हुए पे वार किया या उसे पहले उठाया? नहीं, सोए हुए पे वार किया, पहला वार ही गले पे किया। ऐ पखा लगा थी थे, इथे पखा लगा हुंदे, पखा थिरते लगा हुआ, पखा आराम ना सुता दे, उधरो पलट के इधर आया, फिर उन्होंने दूसरे वार जे उंदा गला कटता, फिर उन्होंने वार दूसरे उन्होंने कीता मुख दे नाल। तो किसी को उस रात पता ही नहीं चल सका। इधर गला सी उसके बाद कत्ल करने के बाद हबीब अपने घर गया, अपने घर गया। अच्छा, अपने घर गया पहले, उसके बाद फिर वहाँ से निकल जाए, निकल गया। इसका मतलब है कि उसके घर वालों को यकीनन पता होगा कि रात उस रात आया था और ये हाँ जी पता होना चाहिए, ये वारदात करके आया या ये कत्ल करके आया, बुगदा तो हो गया, बरामद करवाया, घर से निकले, ठीक है। चलें, हम कोशिश करते हैं, मुलजिम चूँकि पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है, उनसे तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन मुलजिम के घर चलते हैं, कोशिश करते हैं घर में जो मौजूद है उनसे बात कर सकें। मुलजिम की बीवी अगर घर पे है तो उससे बात करना बहुत ज़रूरी है, उसका बयान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुलजिम अब ये वजह पेश कर रहा है, वो ये कह रहा है कि कत्ल मैंने इसलिए किया क्योंकि जो मकतूल अरशद है उसके मेरी बीवी के साथ कोई ताल्लुकात थे, या उसे वो तंग करता था, या उसे कुछ शुबा था। इसमें कितनी हकीकत है, कोशिश करते हैं उनकी बीवी से बात करने की। मुलजिम ने क्यों किया कत्ल, क्या थी कत्ल की असल वजह, मुलजिम के रिश्तेदारों ने कौन कौन सा राज बताया, हर सच्चाई सामने लाएंगे। वरसा कत्ल की क्या वजह बताते हैं, गौर से सुनिए। अच्छा, हबीब को फिर वही मौके से गिरफ्तार कर, मौके से गिरफ्तार कराया, ते वो कना भी मान गया भी ऐसी कत्ल किया मैं, ते दूजा बंदा जेड़ा ना उन्हें सियाता नहीं, वो नाम मालूम है, लेकिन हबीब ने ये बता दिया होगा ना कि मेरा वो खाला का बेटा है, मेरा रिश्तेदार है, करीबी अजीज़ है। जब हबीब ने पुलिस को ये बता दिया या इकबाल जुर्म कर लिया कि जी मैंने कत्ल किया, तो फिर उसने वजह भी बताई होगी कि वजह क्या है कत्ल की। इस तो बाद मोटर चोरी तो जी एलिगेशन मेरे भाइये ने दिती है ना, उदू बद सानू नहीं पता है वजह की, दिन दसा सा नौकर से 10-12 साल तो एको भी सानू वजह उतों पता लगा जो इन्हें बाले जुल्म किया है, तो जो उन्हें सानू बंद दसिया है ना,
भी यह शक है भी यह बंदे रात को तुहाडी वेली चो निकले आने। फिर मैं इन्हों का गौर किया भी इन्हों का पिछा किया भी यह बंदे साबित करना चाहवाना ना भी एक बंदे वो फिर इनू जो फड़ा हबीब ने इकबाले जुलम किया मैं तो खुरम ने मारिया तो एक तीन बंदे हैं एक बंदा बिच होर। अच्छा एक और भी है वो कौन है? वो उनका नहीं। तीसरा बंदा कौन है? नाम लो उसको पहचाना नहीं अभी वो तो ये बताएंगे ना। अच्छा ये दोनों बताएंगे कि साथ कौन है। ठीक है कत्ल हो गया। अब असल मामला ये है कि वजह पता करनी है कत्ल की। जी इंसानी जान है बड़ी कीमती जान होती है वो चार बच्चों का बाप था क्यों उसे कत्ल किया गया? आपको पुलिस ने वजह क्या बताई है कि मुलजिम ने ये इकबाले जुर्म तो कर लिया है लेकिन अब क्या बता रहे हैं कि वजह क्या है कत्ल की? अरे हमारे पास तो और कोई वजह नहीं है सिवाय इसके कि भाई ने इसको मारा था मोटर की वजह से। नहीं नहीं पुलिस ने आपको ये उसे पकड़े जाने के बाद पुलिस ने क्या वजह बताई? सर हमें तो पुलिस ने कोई वजह नहीं उसने इकबाले जुर्म किया मैंने कत्ल किया। आपने खुद भी नहीं पूछा आपके भाई जाहिर है आपके भाई का कत्ल है क्या बताया? ठीक है पुलिस ने यही बताया कि उसने यही बोला है कि उसने मुझे मारा था मोटर अच्छा, की वजह से और उसी रंजिश में या वो बात उसके दिल में थी कि मुझे मारा क्यों है। सर पुलिस ने यही बताया कि मोटर की वजह से मारा उसने बोला कि मैंने इसी वजह से कत्ल किया पुलिस ने तो यही हमें बताया बस। अब वो जो बयान दे रहे हैं पुलिस के पास दौरान तफ्तीश वो एक नई कहानी सुना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी जो मकतूल अरशद है उसके मेरी बीवी के साथ कोई ताल्लुकात थे मैंने खुद देखा भी था तो मुझ में ये सारा मामला है और मैं बड़ी देर से प्लानिंग कर रहा था उसे कत्ल करने की। तो ये बात अगर ऐसी थी तो आप में से किसी को पता थी या गांव में से किसी को पता थी या महज ये सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं? सर हमें तो इस मामले में कोई पता नहीं। किसी को भी नहीं पता? हमें तो बिल्कुल नहीं पता। अगर उसको पता है या उसकी बीवी को पता है तो वो बता सकते आप उनसे पूछ लें हमें तो कोई पता। या वो अपने आप को बचाने के लिए या कत्ल की वजह एक तो जी पेश करने के लिए अब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं? सर हमें तो इस बारे में नहीं क्योंकि ऐसी को बात होती तो फिर वो गांव वालों को कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता। हाँ जी गांव है तो ऐसा कोई मामला नहीं था नहीं महज इल्ज़ाम लगा रही है। वरसा के मुताबिक मुलजिम खुद को बचाने के लिए मकतूल के किरदार पर इल्जाम लगा रहा है। क्या मकतूल के मुलाजिम की बीवी से थे नाजायज मरासिम या फिर हकीकत कुछ और है? टीम मुजरिम कौन सच्चाई जानने के लिए मुलजिम के घर पहुंच गई। गल सुनना जी जरा अच्छा थोड़ा सा आगे आ जाए थोड़ा सा आगे आइए थोड़ा सा आगे कोई मसला नहीं है कोई मसला नहीं हमारे माओ की तरह कोई मसला नहीं। मुझे ये बताएं जरा हबीब ने जब कत्ल किया है आपको पता है ना हबीब ने कत्ल किया है उस रात जब उसने कत्ल किया है तो वो घर आया था या वहीं से भाग गया था? नहीं पता चला आप लोगों को पता चला? सानू तो दो पाँच चार पाँच साल भाजी हो चले ने साढ़े ना कोई बोल चाल नहीं। अच्छा हबीब से कोई मुलाकात नहीं कोई मुलाकात नहीं ये तो बिल्कुल साथ वाला घर है ना बोलता ही ना चलता ही लड़ता झगड़ता इन्हों भाजी उन्होंने आप भी खुद पता आते जाते रात भी आते दिन भी आते सारे रिश्तेदार इन्हों के आते जाते सानू इन्हें जो दसन भी जिन्होंने सानू बुला चला कि वेख्या आवे आपका लगता क्या है? मेरा लगता देवर से देवर देवर हैगा ना सही से पर साढ़े आखे ना लगता है ना साड़ी सुनता है आपको कब पता चला कि ये कत्ल हुआ? सानू जो सुबह ये दुध इन्हों का आया है ना तो इतने लोगों ने रौला पाया तो असं उदो उठे हैं सुते पे सानू कोई पता नहीं है भी। उस वक्त तक पता था कि हबीब ने कत्ल किया नहीं सानू कोई पता नहीं ये जो पुलिस आई है सारे बच्चे भी कार ने मेहमान भी आए ने मेरे बंदे का पता लैन सारे परौने आए ने पता लाया ने फिर इन्हें जिसल पुलिस लिया इन्होंने कत्ल किया मैं भाई असी अरशद के साथ कोई लड़ाई हुई थी इसका तो पता था? नहीं लड़ाई का भी मैं नहीं पता नहीं मैं कोई पता नहीं मैं तो आप खुद बीमार हैगी मरीज है आप भी तो वह भी मरीज उन्होंने भी दिल का अटैक हो खुद आप मगर गए ने सारे पीछे गए सर। हाँ जो अटैक हुआ चुक के मिल गई कह रहा जी कि मेरी बेगम के साथ कोई इसके मामला थे कोई ऐसी कोई बात सुनी थी कभी? फिर मैं तेन भाजी दसिया मैनू कोई पता नहीं, नहीं आपकी बोलचाल तो नहीं है लेकिन आप चूंकि गांव में रहती हैं बिल्कुल दीवार सांझी है साथ वाला घर है जो मर्जी भाई मैं कोठे ते भी कभी नहीं चढ़ीगी। अच्छा भी कभी कोठे ते भी चढ़ी हूं ऐसी कोई बात कभी नहीं सुनी ना मैं कभी बाहर ही नहीं सा निकली लेकिन गांव में इस तरह की बातें छुपती नहीं है ना निकल आती है ना सुनी तो होगी ना अगर कोई ऐसा मामला था कभी सुना ही नहीं नसीब नहीं हबीब घर पे होता था तब
ਘਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਹੀ ਪਾਊਡਰ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ 8-8 ਦਿਨ 10-10 ਦਿਨ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ मुलजिम हबीब की भाभी भी एतराफ कर रही है कि मकतूल मुलजिम के घर आता जाता था। हमें ये भी बताया गया कि मुलजिम नशे का आदी था। अभी तो शर्मनाक ताल्लुकात की सच्चाई सामने आना बाकी है। मुलजिम की बीवी से भी करेंगे सवाल, मगर पहले मकतूल के बुरासा से पूछ लें कि वो इस जिम्न में क्या कहते हैं, उनके नजदीक कत्ल की वजह क्या थी। मामू है ये जो इल्जाम लग रहे हैं इसमें कोई हकीकत है? आपके तो बच्चों की तरह है ना, तो आप बेहतर जानते होंगे उन्हें वो कैसे। नहीं, मैंने आज तक नहीं कहीं से सुना। सुना नहीं है कहीं से? नहीं, कोई इल्जाम वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ ये पकड़े जाने के बाद ही आपके कानों में ये बात पड़ी होगी। ये तो नहीं, मैंने बाद में भी नहीं सुना कि ये इल्जाम है, ये पुलिस। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं। तो आप फिर खालिद से मोटर उतारना, उसके बाद उसे अगर दो थप्पड़ लगा देना, मारा आप जो अब मकतूल है उन्होंने गलत किया, लेकिन सिर्फ छोटी सी मामूली सी बात पर जान ले लेना, ये भी तो समझ में नहीं आती। बस उसने पता नहीं कौन सी, जैसे उसने कहीं बैठा था उसके पाँव पे बैठे हुए कहीं पाँव का ठुड्डा मारा है उसके चेहरे पर। चेहरे पर? चेहरे पर अरशद ने। हाँ, उसी हबीब के चेहरे पर ठुड्डा मारा है। हाँ, उसी का उसने रंज लिया है कि मैं भी जैसे तुमने मुझे इसलिए चेहरे पे वार किया फिर। हाँ, चेहरे पे मारा था। अच्छा, इस उसने कहा कि मैं भी तुम्हारा चेहरा ऐसे बिगाड़ूंगा दुनिया देखेगी, ये धमकी दी थी। हाँ, ये मतलब ये सुना था। तो ये उसने उसके बाद ये तो पता नहीं था किसी को कि इतना बड़ा मामला हो जाएगा, कत्ल हो जाए, लेकिन फिर भी उसे बैठ के समझाया नहीं आप सब ने? नहीं नहीं, मामूली बात थी, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, उसका नोटिस ही नहीं लिया किसी ने भी कि यार कोई नहीं आपस में है, मतलब इकट्ठे रहते हैं देर रात, तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि यहाँ तक नौबत आ जाएगी। लेकिन इस वकूबे के बाद वो हवेली या आप लोगों के काम पे आना जाता आता था, उसके बाद भी आता जाता था, कोई एक दो दिन चलो नहीं गया, अपने घर में ही रहा, सामने था वह, उसकी भैंस भी उधर सी, उधर चारा भी उधर से लाता था, दूध। अकेला ये काम करता था हवेली में ही, इसके घर में इसकी बीवी भी काम करती थी? नहीं नहीं, ये अकेला ही था। अकेला ही काम करता था शुरू से, यही काम करता था। ठीक है, क्या आप कुछ अपील करना चाहें हुकूमत से? हम तो यही कहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, बहुत नाइंसाफी हुई है, बहुत ज्यादती की है उसने। मकतूल के मामू के मुताबिक मकतूल ने मुलाजिम के चेहरे पर ठोकर मारी थी, जिसकी रंजिश में हबीब ने अरशद का चेहरा बिगाड़ा है। क्या यही हकीकत है? सच्चाई जानने के लिए टीम मुजरिम कौन मुलजिम हबीब के घर जा पहुंची। ये जी हबीब के भाई का घर था और ये भाभी हैं हबीब की, मुलजिम की। अब हम कोशिश करते हैं कि उसकी बीवी के बारे में पता चला है मुलजिम की, कि वो इसी घर में है, तो कोशिश करते हैं बात करने की। हबीब जिसने अरशद को कत्ल किया, उसकी बीवी हमारे साथ है, हम हबीब के घर के अंदर मौजूद हैं इस वक्त, घर में मेरा ख्याल है कि अकेली मौजूद हैं। इनसे बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो हबीब है वो पुलिस को ये बयान दे रहा है कि मेरी बीवी के साथ उसके मामला ठीक नहीं थे, या वो इस पर नज़र उसकी अच्छी नहीं थी, तो ये बेहतर बयान दे सकती है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब हबीब ने जिस रात कत्ल किया, उसके बाद वो घर आया था कत्ल करने के बाद? जिस रात अरशद कत्ल हुए हबीब किधर था? वो घर पे नहीं था। कब गया, कितने बजे गया? वो ना एक दिन पहले ना हमें पुलिस का डर दिया था उसने। क्या डर दिया? पुलिस पैनी है तन मार रात में। क्यों? तो ही मोटर साड़ी चोरी की थी। अच्छा, ये डर किसने दिया था, ये धमकी अरशद ने? अरशद ने दी थी, मकतूल ने। हाँ जी। उसके बाद वो भाग गया था हबीब यहाँ से, भाग गया था एक रात पहले घर से भागा था, दोबारा घर नहीं आया? ये हमें तो ये पता चला है कि हवेली में कत्ल करने के बाद अरशद को सीधा वो घर आता है। मुझे, मैं सोई थी, मुझे नहीं पता वो घर आया कि नहीं। जिस तरह जिस टोके से उसने कत्ल किया वो भी घर से बरामद हुआ? हाँ जी। तो वो अगर घर नहीं आया, हाँ, तो कत्ल करने के बाद टोका खुद चल के तो नहीं आया? मैं ये नहीं कहती, वो पहले एक गया था 3 रुपए का, घर से निकल गया था, हमें नहीं पता किधर गया जा किधर नहीं गया है, ठीक है ना। जो सुबह पुलिस पई है ना सानू, असं कत्ल होया है सुबह, सब अं मज चवाण वास्ते जाते हवेली, उत्थे असं सुबह सुबह बर्तन बेचना मंड जहा पाया है, असी हवेली लैके जाना सी। मैं बेड़ा तेरा चाचू उठ पिया होना, तो जा वंड लैके जा हेगा, असी बुलटो ही फड़ी है तो बुटन मारद घर लिया, तो असर दरवाजे अगे मैं खलोती हाँ। अगर मैं जो मुंडे की चीकों की आवाज़ आई है ना बाहरों, तो मैं पता नहीं की होया इतने, मैं इस तरह नंगी पैरी दोबारा हवेली भजी गई है, जो मैं दोबारा जाके देखा अरशद मरिया पिया है,
मैं उधर रोना फिर रोंदी रोंदी मैं कानू उस वक्त तक नहीं पता था कि आपके मियां ने कत्ल किया। मुझे नहीं पता। कब पता चला ये? जब हम उधर गए तो हमारे घर पुलिस आई, हम इधर बैठे थे तो पुलिस वाले आन के मैनू आन के पूछा मां भाई मैनू नहीं पता है भाई मेरे नाल आए सन मामा दे बेटे जने। खुरम कब से इसके साथ है हबीब के? हमारे घर में ये भी नहीं पता। तीसरा कौन है? मुझे वो भी कोई रिश्तेदार है? नहीं पान मैं कभी किसी के घर गई नहीं, किसी पता ही नहीं है। हाँ जी मैं। अच्छा जिस घर में आता जाता था यहाँ पे रहता भी था? आप इकट्ठे रहते सन जी इतने सारे जने? इधर रहता था? हाँ जी इधर भी। नहीं कोई रिश्तेदारी अजीजदारी तो नहीं, तो यहाँ पे रहता क्यों था? अंदर से कि मेरा दोस्त है ना, तो इकट्ठे आंदे जांदे, वो पी पू के खाना पीना सब कुछ इधर, सभी घर वाले उनके सभी घर वाले इधर आते। हबीब तो नशा करके और वो उसे पता ही नहीं, होश नहीं होता था कोई। हाँ जी। तो अरशद यहाँ पे होता था? हाँ जी। हबीब अब ये जो कह रहे हैं कि जी मेरी बीवी के साथ उसके ताल्लुकात थे ऐसे ही? जी थे ताल्लुकात अरशद के। जी ठीक है। नहीं ऐसे ऐसे मामला थे अरशद के आपके साथ कुछ ऐसे नाजायज ताल्लुकात हैं थे? जी। तो ये बात उसे पता थी? किसे? हबीब को पता थी ये बात? ये मुझे नहीं पता, देखा जा नहीं देखा, देखा ही होगा कहीं जैसे दर्ज कहा है जाकर। अच्छा देखा था उसने? हाँ जी। तो इस बात पे आपस में आप दोनों की लड़ाई भी रहती होगी मियां बीवी की? मैंने उसका भी नहीं उठता ही नहीं था जल्दी, सोया वही सुबह ज़्यादा आता जाता था, हम इकट्ठे यहाँ बैठ कर खाते पीते थे, लेकर आता था खाया पिया करते, मेरा मियां भी सब इकट्ठे रहते थे, उनके घर वाले भी सारे मेरे घर में आते जाते, लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता। लेकिन अरशद जब इसी घर में मिलता था आपसे? हाँ जी। इस बात का ये तो हो नहीं सकता ना कि हबीब को पता ना हो, या उसे पता ही नहीं चला चूँकि वो नशे में होता था, उसे पता ही नहीं चलता उसके बीवी के साथ उसके दोस्त के ताल्लुक आते हैं और इसी घर में ये सब कुछ हो रहा है, या उसे पता था? यहाँ इतना सच बताया ना, ये भी बता दो हबीब को पता था? आप आपस में आप दोनों की लड़ाई भी होती थी इस बात? हाँ जी कभी कभी मेरे साथ दो महीने से लड़ता झगड़ता लड़ता था, मना करता था, कहता था हवेली नहीं जाना, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी हवेली। मुलजिम हबीब की बीवी एतराफ़ कर रही है कि उसके अपने शौहर हबीब के मालिक के साथ ताल्लुकात थे, मकतूल अरशद उसके घर आता रहता था। हवेली अरशद होता था उसे मिलने के लिए जाती थी? नहीं उधर हमारे गाँव थी एक बच्चा सा, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪੇ ਅਰਸ਼ਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ? ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਜਾਏਗਾ ਦੁੱਧ ਚਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਝ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੋਂ ਦੁੱਧ ਚਵਾ ਕੇ ਰਮਾਣਾ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਬੀਬ ਕੋ ਜਬ ਪਤਾ ਥਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਕੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕੇ ਸਾਥ, ਤੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਉਂ ਆਨੇ ਦੇਤਾ ਥਾ ਘਰ ਮੇਂ? ਯੇ ਉਸੇ ਪਤਾ ਹੋਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਮ ਬਤਾਓ ਨਾ ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਥੀ, ਕਿਉਂ ਆਨੇ ਦੇਤਾ ਥਾ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲੀਏ ਕਿ ਵੋ कोई राशन ले आता था यहां? नहीं राशन रोशन कभी नहीं लेकर आता, राशन कभी नहीं लेकर आता, राशन हमारे घर में काफी था। तो फिर और क्या वजह था? उनके साथ हम ना वही ज्योति सारा कुछ करते थे, ठीक है ना? फिर और क्या वजह हो सकती है? एक तरफ बीवी से लड़ता है, नाराज रहता है कि तुम अरशद के साथ ना मिलो, उसके साथ अपने ताल्लुकात खत्म करो, और दूसरी तरफ वो इजाजत भी देता है कि अरशद को हाँ तुम घर आ जाओ। हाँ जी घर में आता जाता, बुलाता था और उसके सामने नशा करके खुद सो जाता था, और उसके बाद अरशद और आप ऐसे ही सारी चीजें उसे पता थी। तो फिर अचानक से उसकी गैरत क्यों जागी? अचानक से उसने कत्ल का मनसूबा क्यों बनाया? क्या समझती हो ये इस वजह से ही कत्ल किया है, गैरत की वजह से, या ये मोटर वाला मामला था इस वजह से कत्ल? ये पान मुझे नहीं पता, मैं देखो आपके दिल की बात मैं कैसे बता सकती हूँ। तो उसके साथ ताल्लुकात क्यों थे? उसका दोस्त था जी, मियाँ घर में नशा करके वो गलत करता था जी, मियाँ घर में नशा करके पड़ा रहता था, उसे होश नहीं रहती थी, तो उसके दोस्त के साथ ताल्लुकात बनाया? लेकिन वो मुझे कहता आप मुझे पसंद हैं। अरशद क्या था? हाँ जी। पसंद है? हाँ जी। तो शादी कर लेनी थी? बच्चे मेरे थे, इसलिए वो कहता था बच्चे बच्चे मेरे मियाँ मेरा अभी था ना झगड़ो, कहता सिर्फ मैंने पसंद है, ठीक है जो भी है। अच्छा बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे तीन बेटियाँ तीन बेटे ने। तीन बेटियाँ तीन बेटे इधर ही रहते हैं जी? वो घर पे नहीं, तो उनके छोटे उनके सामने मिलते थे आपस में? उनके सामने मिलते थे? नहीं बच्चे से कभी बाहर सोते थे अभी? बच्चे बाहर सोते थे। अगर एक बाहर गैर मर्द आके और वो तुम्हारे मियाँ का दोस्त है, वो कहता है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, तो इसका मतलब है कि इजाज़त है जो मर्जी करो, मैंने जान चली गई? मैंने उसे कितनी बार कहा माँ जी अगर मेरे मियाँ को पता लगेगा ना तो वो बुरा सलूक करेगा मेरे साथ, मुझे मारेगा डांटेगा, कहता सी मेरे होने तेन कोई कुछ नहीं कह सकता है। अरशद के मरने का दुख है जी? आंदा ही जिन्ना तक मैं जिंदा वा ना उन्ना तक। अरशद के मरने का ज़्यादा दुख है या मियाँ के जेल जाने का ज़्यादा दुख है? अरशद के मरने का ज़्यादा दुख है, जाहिर है वो पसंद करता था तो आप भी तो पसंद करती थी ना, तो अरशद के मरने का ज़्यादा दुख है या मियाँ के जेल जाने का? एक जान चली गई ना और तुम्हारा मियाँ भी चला गया, अब वो जेल चला जाएगा, सारी ज़िंदगी जेल में गुजारेगा, क्या मिला? बच्चों के सर पे तो था ना जैसे भी था, कसूरवार तो फिर आप भी हो।
बराबर की कसूरवार हो। मुलजिम की बीवी की खामोशी जाहिर कर रही है कि उसको शौहर के जेल जाने का दुख नहीं बल्कि आशिक के मर जाने का गम खाया जा रहा है। क्या खातून के गैर मर्द से शर्मनाक ताल्लुकात अरशद की मौत की वजह बने? या वो नशेई था, नशे में रहता था जी। ये वजह बनी कि उसके दोस्त के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए? नहीं, ये बात नहीं, वो मुझे खुद ही कहता कि साहब मुझे बहुत पसंद है। तो राह चलते कोई भी शख्स आएगा, दरवाजा खटखटाएगा, वो आके कहेगा कि जी मुझे पसंद हो, तो आप भूल जाओगी कि मैं शादीशुदा हूं, मेरा मियां है, मेरे बच्चे हैं। ये बात मैंने उसे कई बार कही, 5 साल हो गए हमारे घर आता जाता था, पहले नहीं था आता। मैंने उसे कई बार ये मना किया, लेकिन आंदा सी कि जेड़ी चीज मैं पसंद आ जाए मैं कभी छड़ी नहीं है। वो ये कहता था, दबा लेना जांदा सी कि मैं जेड़ी चीज पसंद आ जाए मैं कभी छड़ी नहीं, कि पल मैं तेन छड़ना नहीं, भावे जो मर्जी कर देगी। जबरदस्ती उसने ताल्लुक बनाया, आंदा सी कि मैं जो मर्जी कर देगी, वो तेन सही है, आज जो मार देता तो की कर लेंगे, तुम ओदा की कर लेंगे, मेरा की कर लेंगे। तो ये बात तो सारे गांव को पता हो, ये सबको पता हो, जाहिर है। मैं कभी बाहर नहीं करते गई, वही आ जाता था घर, वही घर हमारे आ जाता था, मैं कभी नहीं बाहर गई। वो जब उसका दिल चाहे आ जाता, जब दिल चाहे चला जाता था, मैं कभी घर से बाहर नहीं गई। और हबीब को नशा भी ला कर देता था? सारे इकट्ठा करके उन्होंने लिया थे, लिया के बेचते सन। कौन कौन बेचता था? एक को दबाई है अरशद का भाई भी, हाँ जी, वो भी बेचता था, वो भी बेचता था। अरशद खुद भी नशा करता था? नहीं, वो नशा नहीं करता था, हबीब को देता था नशा। हाँ, हबीब करता था? हाँ जी, नाले बाहर बेचते सी, पैसा तेल इकट्ठा करते सब। अरशद भी बेचता था, हबीब भी बेचता था? हाँ जी, अरशद बेचता था, अरशद बेचता, अरशद लेके आंदा सी, मियां ते हबीब ये दोनों बेचते सब, ये दोनों बेचते थे। हाँ जी, अरशद के घर वालों को पता था कि ये दोनों के आपस में ताल्लुकात है? हाँ जी, उन्हें सब घर वालों को पता, उनके घर वाले भी मना करते थे, लेकिन मुझे पता चला। लेकिन वो कहता था अपनी बहनों को मारता था, अपने भाइयों को मारता था, खुद क्यों नहीं मना होती थी? ऐसा क्या मामला था? क्या कोई वो बंदूक के जोर पर सब कुछ करता था? जी, बंदूक पास होती थी जी, उनके पास मोजर था, मोजर था, इस डर की वजह से सब कुछ करती थी। मैंने कभी उनसे बलात्कारी नहीं की थी, जब भी जैसे कहता मैं वैसे कर देती थी, मैं ठीक है। उनके घर वालों को भी सबको पता था कि इधर आता जाता है, इसकी बहन ने जो मामू की, सभी हमारे घर रात दिन आते जाते थे, लेकिन मामी को भी पता था कि मेरे बेटे किन के साथ अनजायज तल लगे, उसकी माँ ने डांटती ही पता नहीं, उसकी बीवी को हम घर वालों को पता था। मुलजिम की बीवी के मुताबिक मकतूल के सब घर वालों बशमूल उसकी बीवी को भी इल्म था कि अरशद उसके साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तवार किए हुए है, जबकि वो रसा के मुताबिक उनको शर्मनाक ताल्लुकात का कोई इल्म नहीं था। उनके मुताबिक कत्ल की वजह सिर्फ बेइज्जती का बदला है, वजह जो भी हो एक इंसान बेदर्दी से कत्ल हुआ है, ये एक ऐसा जुर्म है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। पुलिस जिस तरह से तफ्तीश कर रही है, आप लोग मुतमिन हैं? आपके मुलजमान तो गिरफ्तार हो गए हैं, एक नामालूम है, उसके बारे में पुलिस क्या कहती है, कब पकड़ा जाएगा? अब तो दूसरा मुलजम पकड़ा जाएगा, उसके बाद साबित हो जाएगा, तीसरा भी कौन है? अभी वो जो खुर्रम है वो भी नहीं पकड़ा गया? नहीं, सिर्फ एक ही पकड़ा है अभी, एक ही पकड़ा हुआ। अच्छा, लेकिन आप मुतमिन हैं, आप मुतमिन हैं जिस तरह पुलिस कार्रवाई कर रही है? जी, तफ्तीश कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, हमारे भाई को बेदर्दी से कत्ल किया गया, हम तो इंसाफ मांगते हैं। कत्ल किसी सूरत में भी काबिले कबूल नहीं, अदालत ही फैसला करने की मजाज है कि कौन मासूम है और कौन मुजरिम। इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए ताकि फिर कोई किसी को भी किसी भी वजह से कत्ल ना कर पाए। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।